हमारे देश में गुरु को ब्रह्मा यानी भगवान का दर्जा दिया जाता है, जहां हर छात्र या विद्यार्थी अपने अध्यापक में माँ बाप की परछाई देखता है। लेकिन राजस्थान के अलवर जिले से इस पवित्र रिश्ते को तार तार करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां एक 10वीं क्लास की छात्रा ने स्कूल के प्रिंसिपल सहित कई स्कूल टीचर्स के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का संगीन आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। तो क्या है पूरी जानकारी, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। दरअसल मामला अलवर जिले के मांडन थाना इलाके का है, जहां के सरकारी स्कूल की एक छात्रा ने प्रिंसिपल सहित विद्यालय के 9 शिक्षक व शिक्षिकाओं के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। वहीं स्कूल की 3 अन्य छात्राओं ने भी अपने साथ हुई छेड़छाड़ सहित अश्लील हरकत का मामला पुलिस को दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि पीड़ित छात्रा के साथ हुए इस घिनौने अपराध में स्कूल की महिला टीचर्स ने भी इस अमानवीय कृत्य में स्कूल के शिक्षकों का साथ दिया था। पीड़िता के मुताबिक स्कूल की 2 महिला टीचर्स ने उसे मुफ्त में ड्रेस, कॉपी और किताब देने के लालच के साथ ही उसकी फीस भरने का वादा करते हुए पीड़ित छात्रा को स्कूल के पास रहने वाले टीचर के घर ले गईं। वहां स्कूल के प्रिंसिपल और 2 अध्यापक शराब पी रहे थे। वहां जाने के बाद एक महिला टीचर ने उसके कपड़े उतरवाए, जिसके बाद सभी 4 पुरुष अध्यापकों ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान दोनों महिला टीचर्स वीडियो बनाती रहीं। लेकिन यह अमानवीय कृत्य यहीं तक नहीं रुका। उसके कुछ दिन बाद फिर से महिला टीचर के पति और अन्य टीचरों ने पीड़ित बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक टीचर पर खाने में नशीले पदार्थ मिलाकर 17 लड़कियों से छेड़छाड़ करने का आरोप सामने आया था, जहां आरोपी टीचर ने प्रैक्टिकल के नाम पर 17 छात्राओं को रात में स्कूल में रोककर खाने में नशीला पदार्थ देने के बाद छेड़छाड़ और अश्लीलता की हदें पार करती थी, जिसके बाद दोबारा से इस तरीके की खबरें आना देश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। ऐसे में देखा जाएगा कि प्रिंसिपल सहित विद्यालय के 9 शिक्षक व शिक्षिकाओं के खिलाफ प्रशासन क्या सख्त कदम उठाता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।